1857 में भारतीय विद्रोह मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, फर्रुखाबाद, कानपुर के कई इलाकों में फैल गया था। यहां सती चौरा घाट पर कानपुर के इतिहास की सबसे भीषण रक्तरंजित घटना घटी थी। कानपुर शहर व सती चौरा और बीबी घाट में ब्रितानी सैनिकों ने भारतीयों का वीभत्स नरसंहार किया था। इसके बदले में क्रांतिकारी नानाजी राव ने बीबी घाट पर वोट द्वारा लिए गए सभी अंग्रेजों को मरवा डाला, जिसकी अपनी अलग कहानी है। असल में फतेहगढ़ फोर्ट में अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल कानपुर पहुंचाने के बहाने कई वोटों पर बैठा दिया गया। कमालगंज के पास गंगा में सभी को डुबो दिया गया। कुछ जो बच गए थे उनमें औरतें व बच्चे भी थे। उन सभी को नानाजी राव द्वारा बीबी घाट में कमरे में बंद कर मरवा डाला गया। लाशों को साथ के कुएं में फेंक दिया गया। रिवर्स टाम के सूत्रधार राजा हरदेव बख्श ने एक को छोड़ बाकी सभी को गंगा में डुबा कर मरवा डाला। जो एक जोड़ा बचा था नाम था डॉक्टर मेलवी। राजा हरदेव बख्श सिंह ने डॉक्टर मेलवी को अपने मठ फोर्ट में शरण देकर बचाया और कानपुर सुरक्षित पहुंचाने का प्रबंध किया। इस सेवा के बदले हरदेव बख्श सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। मेलवी दंपति को बचाने का कारण कानपुर की मिलों में राजा साहब का काफी पैसा लगा हुआ था। मेलवी उस समय दुनिया में कॉटन इंडस्ट्रीज के किंग थे। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कानपुर की म्योर व एल्गिन कपड़ा मिलों के मालिक। समय बीता और कानपुर एक औद्योगिक नगरी के तौर पर विकसित होने लगा। लाल इमली, म्योर मिल, एल्गिन मिल, कानपुर कॉटन मिल और अथटन मिल काफी प्रसिद्ध हुई। कानपुर भारत का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाने लगा। जुलाई 2015 में मेरे पास टोनोज पब्लिकेशन के प्रतिनिधि की एक कॉल आई, जिसमें मेरे हिस्ट्री ऑफ फर्रुखाबाद की एक पोस्ट रिवर्स टाम का हवाला देकर उन जगहों का विवरण पूछा गया था जहां जहां से रिवर्स टाम की वोट गुजरी थी। असल में मिस्टर मेलनी के पर पोतो मिस्टर गेविन व मिस्टर मेलनी को म्यूटनी टूर पर फर्रुखाबाद आना था। उन सभी स्थलों पर भ्रमण कर क्रांति के सभी अंतिम चिन्हों को संकलित कर अपने साथ ले जाना था। म्यूटिनी टूर बैनर के अंतर्गत उन्होंने फर्रुखाबाद से कानपुर तक गंगा किनारे सभी संबंधित गांवों का भ्रमण किया। गांवों में लोगों से मिलबैठ उस समय की स्मृतियां संजोई। मिस्टर गेविन व मिस्टर मेलवी कानपुर में क्रांति स्थलों व मिलों का अवलोकन कर वापस लौट गए। दोनों पोते यूरोप के किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं ऐसा बताया गया था। उनका प्लान संकलित स्मृतियों को एक किताब के रूप में लाए जाने का है। कानपुर अपना मैनचेस्टर सिटी वाला औद्योगिक स्तर खो चुका है। कारण शायद क्षेत्रीय दलों का शासन होना व ट्रेड यूनियनों की वजह से राजनीतिक माहौल खराब होना था। अभी भी कानपुर का मैनचेस्टर वाला स्तर वापस लाने का कोई प्लान नहीं है। हम कानपुर की पहचान मात्र गुटखा व पान पराग से होने के लिए खुश हैं।